हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एस एम अल ब्रॉक, और मैं हूं तालिब। आज मैं आपके सामने सैमसंग J700H मोबाइल लेकर हाज़िर हुआ हूं। इसका गूगल वेरिफिकेशन किस तरह बाईपास किया जाता है, तफसील से आप जान सकेंगे। जो भी एरर्स आएंगी उनको किस तरह रिमूव किया जाता है वो भी जान सकेंगे। सबसे पहले वाईफाई लगाया और नेक्स्ट किया, और ये देखिए डिवाइस रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद द गूगल अकाउंट, वही अकाउंट दें, और अगर नहीं है तो आप इसको बाईपास करेंगे। बाईपास करने के लिए सबसे पहले आपको इसका बैक उतारना होगा, बैटरी निकालिए, और इसमें कोई भी एक्टिव सिम आपको डालनी होगी। तो एक्टिव सिम आप सिम टू में नहीं बल्कि सिम वन में डालेंगे। ये देखिए सिम वन में मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, बैटरी को दोबारा से अटैच किया। बैक लगाने के बाद अपने सेट को पावर बटन की मदद से ऑन कर लीजिए। ऑन होने के बाद आप अपने मोबाइल को USB डाटा केबल की मदद से आप कनेक्ट कर लीजिए, अपने PC के साथ कनेक्ट कर लीजिए और अपने कंप्यूटर में चले जाइए। रियल टर्म जो आपने गूगल से डाउनलोड किया, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेल है, उसको ओपन किया। हाफ डुप्लेक्स पे क्लिक करने के बाद पोर्ट के सेक्शन में कॉम पोर्ट चेक कर लें, 9 है। इसी तरह आप प्रॉपर्टी में जाके, डिवाइस मैनेजर में जाके, मॉडेम में जाके आप चेक करेंगे। सैमसंग मॉडेम में जाइए, सैमसंग मोबाइल इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, और इसके मॉडेम में जाके आप चेक करेंगे कॉम पोर्ट भी यहाँ पे 9 है। आपका सेम कॉम पोर्ट होना लाजमी है, क्योंकि सेम नहीं होगा तो राइट पे 3 ग्रीन सिग्नल नहीं आएंगे, उसका मतलब होगा काम ठीक से नहीं हो रहा। ये देखिए सेम कॉम पोर्ट है, और अगर सेम ना हो तो यहाँ पे कोई और कॉम पोर्ट जो ऊपर सैमसंग मोबाइल USB मॉडल में है वो देख के आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, जो डिस्क्रिप्शन में आपको कमांड्स मिलेंगी उनको आप पहली कमांड को कॉपी कीजिए, और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर दीजिए का ऑप्शन दबा दीजिए। ओके आ जाने के बाद इसी तरह आप दूसरी कमांड को कॉपी करेंगे, और यहां पर आप इसको भी पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V आप इसको पेस्ट कर देंगे और सेंड दबा देंगे। जब आप सेंड दबाएंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर राइट साइड से आप देख रहे हैं अपना मोबाइल, ये देखिए कॉल आ गई। कॉल आ जाने के बाद लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे, जब कॉल एक्टिव होगी तो इस इंटरनेट के ऑप्शन में चले जाइए। यहाँ पर आप सिंपली गूगल को दबा दीजिए, और इस गूगल सर्च बार में आप देखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर डिनाई किया, और यहाँ पर नो थैंक्स, और यहाँ पर आप अपने मोबाइल को अब रिमूव कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC के साथ, क्योंकि बाकी का प्रोसेस आपके मोबाइल पर ही होगा। गूगल अकाउंट मैनेजर लिखने के बाद क्लिक किया, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो और इसको तलाश कर लीजिए, इस वेबसाइट को APK मिरर वाले को, इस लिंक को आपने क्लिक किया, गूगल अकाउंट मैनेजर बाय APK मिरर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो, और ये देखिए मुख्तलिफ वर्जन पड़े हुए हैं, आपके सेट पे कोई भी कॉम्पेटिबल हो सकता है। आई एम डेड श्योर कि मेरे सेट पे 6.0.1 होगा, तो मैं उसको डाउनलोड करने जा रहा हूँ। डाउनलोड APK क्लिक किया, और यहाँ पे एरर के चांसेस हैं, योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग, और ये देखिए योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिक्लाइंड फॉर सिक्योरिटी रीजन, नो प्रॉब्लम, जस्ट ट्राई google.com मेथड। लीजिए, जहाँ पे आप रियल टर्म के साथ यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आप इंटरनेट पे नहीं बल्कि मैसेज वाली साइट पे जाएंगे। मैसेज को क्लिक किया, और यहाँ पर इस मैसेज में आप लिखेंगे google.com,
ये सेकंड वे है जो आप देखने जा रहे हैं, और यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दबा दीजिए। सेंड आ जाने के बाद आप google.com को क्लिक कीजिए। लोडिंग हो रही है। और इस गूगल सर्च में आप लिखेंगे वही गूगल अकाउंट मैनेजर जो कुछ लम्हे पहले आपने ट्राई किया लेकिन उसमें एरर आ गया। तो यहाँ पे आप मैसिंग के साथ google.com के साथ आप जा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ये गूगल अकाउंट मैनेजर आपने लिखा और APK वाले मिरर में आप चले गए। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो, उसी तरह ये मुख्तलिफ वर्जन उसी लिंक पे पड़े हुए हैं। जो कॉम्पेटिबल वर्जन है वो आप डाउनलोड कीजिए, 6.0.1 January 14, 2016 का ये वर्जन है। अ लिटिल बिट स्क्रॉल डाउन अगेन और यहाँ पे APK डाउनलोड क्लिक किया और योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग। आई एम डेट श्योर कि अब एरर नहीं आएगा और ये देखिए एरर नहीं है, स्टार्टिंग डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एक बात को देर मशीन कर लें, आपके मोबाइल आपके वाईफाई की स्पीड पे डिपेंड है क्योंकि 7-8 MB की फाइल है। आप जल्दी से इसको वापस, जिस तरह ये वापस चला गया मैं, आप जल्दी से वापस नहीं आएंगे, कुछ लम्हे वेट कीजिए, 1-2 मिनट और उसके बाद वापस आने के बाद इसी गूगल सर्च बार में आप वापस आएंगे। इंतज़ार करने के बाद और यहाँ पर आप लिखेंगे क्विक शॉर्टकट मेकर और बाय पेंगो वाली साइट पे आप जाएंगे, पेंगो, और इसको क्लिक किया। ये देखिए पहले लिंक को आप क्लिक कर लेंगे, सर्चिंग, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो और ये देखिए डाउनलोड क्विक शॉर्टकट मेकर 2.4.0, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया और उसके बाद फिर से एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो, और यहाँ पर ये देखिए कोई एरर नहीं है, स्टार्टिंग डाउनलोड। इसी तरह फिर से आप थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि जब आप वापस आ जाएंगे फौरन से तो आपका ये क्विक शॉर्टकट मेकर भी सही तरीके से डाउनलोड नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर वाईफाई स्पीड। वापस आइए और इस सर्च बार में आप लिखिए सैमसंग एप्स और सर्च का वो क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो और ये ऑफिशियल से साइट है सैमसंग की पाकिस्तान में, इसको क्लिक कीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो और इस सैमसंग आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे ES फाइल एक्सप्लोरर, उसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर लिखा ES फाइल एक्सप्लोरर और इसको क्लिक किया। पहली एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको सैमसंग का अकाउंट देना होगा, अगर आपके पास हो तो साइन इन कीजिए और अगर ना हो तो क्रिएट अकाउंट में जाके फेसबुक के साथ भी लॉगिन हो सकते हैं। मेरा अकाउंट क्योंकि है तो मैं उसके साथ लॉगिन होने जा रहा हूँ, alburag@gmail.com, और नीचे अपना पासवर्ड दिया और सिंपली साइन इन कर दिया। इन प्रोग्रेस
लोडिंग एक्सेप्ट एंड डाउनलोड, और ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। और यहाँ पर आप सिंपली इस प्ले वाले बटन को दबा दीजिए, तीन टाइम स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड में चले जाइए। और यहाँ पे ये दो वही एप्लीकेशन है जो आपने डाउनलोड की है। गूगल अकाउंट मैनेजर को सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए, अननोन सॉफ्टवेयर इनेबल कर दीजिए और इसको इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर डन का बटन दबा दीजिए और दूसरी एप्लीकेशन क्विक शॉर्टकट मेकर को भी उसी तरह अननोन सोर्स में जाके ओके कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। पहले आपने गूगल अकाउंट मैनेजर को किया और दूसरी टाइम पे आपने क्विक शॉर्टकट मेकर को इंस्टॉल करने के बाद ओपन किया। और यहाँ पे सर्च बार में आप लिखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर और वापस आकर ये देखिए यहाँ पे आप सर्च करेंगे जिसमें टाइप ईमेल एंड पासवर्ड, उसको क्लिक किया और ट्राई के बटन को दबा दिया। राइट पे दिए गए थ्री डॉट्स को आप क्लिक करें और ब्रो साइन इन में जाके आप किसी भी अपने अकाउंट के साथ लॉग इन हो सकते हैं। मेरा अकाउंट क्योंकि अलबुराक है तो उसके साथ मैं अपना कोई भी अकाउंट आप दे सकते हैं। अकाउंट दिया, पासवर्ड दिया और साइन इन हो गया। और यहाँ पे सिंपली आप पावर बटन की मदद से अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लीजिए। रीस्टार्ट, फाइनली रीस्टार्ट। आप कंप्लीटली तौर पे अपना मोबाइल सैमसंग J7 को बाईपास कर चुके हैं। स्टार्टअप यूजर के लिए मोबाइल अल्ट्राक मोबाइल वाईफाई और रेडी कनेक्टेड, नो नीड टू कनेक्ट इट अगेन। नेक्स्ट, एग्री, चेकिंग कनेक्शन। और ये देखिए आपने जो कुछ समय पहले अपना नया अकाउंट किया वो ऐड हो चुका है। नीचे लिखा था कि आप आगे सेटिंग में जाके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट किया तो नॉट नाउ, नेक्स्ट, और इसको अनक्लिक कर दीजिए ताकि आपको फिंगरप्रिंट या कोई पैटर्न या कोई पासवर्ड ना देना पड़े। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और डोंट रिस्टोर, मैं किसी का भी बैकअप नहीं लेना चाह रहा। लेटर, नेक्स्ट किया, एग्री किया, नॉट नाउ, अनक्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दीजिए। और फाइनली फिनिश करके अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, कंप्लीट तौर पे बाईपास कर चुके हैं। सेटिंग में जाकर मैं आपको इसका वर्जन शो करवा देता हूँ, मॉडल नंबर शो करवा देता हूँ। J7 मॉडल है J700H, गौर से देख लीजिए। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में 6.0.1 एंड्रॉयड वर्जन है और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 अक्टूबर 2016। इसी तरह आप वापस आइए और बैकअप एंड रिसेट क्लिक करें, फैक्ट्री डाटा रिसेट, ताकि आपके ये दो अकाउंट से कुछ समय पहले आपने इरेज एवरीथिंग। और इसको इरेज करने के लिए आपको पासवर्ड देना होगा, आपका सैमसंग का पासवर्ड दिया और इसको इरेज कर दिया। तो देखिए आपने अपने मोबाइल को कंप्लीटली तौर पे बाईपास किया, उसमें जो एरर्स आई वो रिमूव की। एक बात को एक बार फिर से जेनशील कर लीजिए, आप मैसेजिंग में जाके google.com पे गए तो कोई एरर नहीं आई, उससे पहले आप इंटरनेट पे गए तो वहाँ पे एरर आई। तो एहतियात कीजिए, मैसेजिंग में जाइए, google.com के साथ इसको बाईपास कीजिए। किसी भी लेटेस्ट मोबाइल को इसी तरह आप 6.0.1 वर्जन को इसी तरीके के साथ आप बाईपास कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यकीनन आप मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
फाइनली आप इसका स्टार्टअप विजर देख रहे हैं उसी तरीके के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा चैनल GSMR ब्रॉग। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगेबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।